हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के फाइनल प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, प्लेयर्स अपडेट, प्लेयर्स मैचअप, टीम प्रेडिक्शन और फैंटेसी टीम के बारे में। साथ ही दोस्तों, हमने आपके लिए इस वीडियो में गिववे रखा है, जिसमें इस वीडियो में पूछे गए 3 सवालों में से 2 सवालों का बराबर जवाब देने वाले पहले को मिलेंगे 200 रुपए और 3 सवालों का बराबर जवाब देने वाले पहले को मिलेंगे 500 रुपए। गिववे रोज होंगे और इसके विनर हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अनाउंस करेंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भूलिएगा नहीं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि हम आपको डेली क्रिकेट न्यूज, फैक्ट और अपडेट देते रहते हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच 17 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे द वॉन्डरर्स स्टेडियम जोहानिसबर्ग में खेले जाने वाला है। अब बात करते हैं वेन्यू के बारे में। तो डायमेंशन की बात करें, जोहानिसबर्ग में सबसे बड़ी बाउंड्री 70 मीटर की है और सबसे छोटी बाउंड्री 57 मीटर की। अब पिच रिपोर्ट की बात किया जाए तो वांडरर्स स्टेडियम की पिच अपने तेज और उछाल ट्रैक के लिए जानी जाती है, जो बल्लेबाजों को मदद करेगी, लेकिन तेज गेंदबाजों के लिए भी खूब मददगार साबित हो सकती है। इस स्थान पर पिच सूखी है, जिससे बल्लेबाजी करने वाली टीम को तुलना में दूसरी बल्लेबाजी करने वाली की टीम शॉट खेलने में अधिक आसानी होती है। अगर ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो यहाँ पर लगभग एवरेज स्कोर 240 रन के आसपास है। पिछले कुछ मैचों पर नजर डालें तो पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए अच्छी है, लेकिन पहली पारी में कुछ ओवरों में तेज गेंदबाजों को सतह का फायदा मिलेगा। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है। इस ग्राउंड का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 240 रन है और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 205 रन है। हाईएस्ट टोटल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 438 रन 9 विकेट खोकर 49.5 ओवरों में यहां पर बनाया है, तो लोएस्ट टोटल की बात करें तो इंग्लैंड ने 103 रन 3 विकेट खोकर यहां पर बनाया है। इसी ग्राउंड पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 17 मैचों में से 41% जीती है, तो दूसरी बैटिंग करने वाली टीम 47% जीती है। साथ ही इस ग्राउंड पर लास्ट कुछ मैचों में पेसर्स ने 103 विकेट लिए हैं, तो स्पिनर्स ने 22 विकेट लिए हैं। अब बात करते हैं दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग कर सकते हैं संजू सैमसन, फिर श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, अवेश खान। इंडिया के टीम में ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ओपनिंग कर सकते हैं। नंबर 3 पर आपको श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पर केएल राहुल, नंबर 5 पर और फिनिशिंग का रोल निभाते हुए दिख सकते हैं रिंकू सिंह। साउथ अफ्रीका की बात करें तो रीजा हेंड्रिक के साथ ओपनिंग कर सकते हैं टोनी डी जॉर्जी, फिर उसके बाद रसी वेंडरडसन, एडन मार्क्राम, हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, वियान मल्डर, केसा महाराज, एंडाइल फेल्कायो, तब्रेज शम्सी, लिजार्ड विलियम्स। साउथ अफ्रीका की टीम में रीजा हेंड्रिक्स और टोनी डी जॉर्जी ओपनिंग कर सकते हैं और रसी वेंडरडसन नंबर 3 पर खेलेंगे और नंबर 4 पर एडन मार्क्राम और डेविड मिलर इस टीम में फिनिशिंग का रोल निभा सकते हैं। अब हमारा गिववे का पहला क्वेश्चन, इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बाकी के 2 क्वेश्चन वीडियो में आगे पूछेंगे, तो आप वीडियो को देखते रहिए। ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, इसमें कुछ भी बदलाव होता है तो इसका अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी जाइए और चैनल को ज्वाइन करके फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड कंपैरिजन के बारे में। तो लास्ट 10 मैचों में इंडिया ने 6 मुकाबले जीते हैं, तो साउथ अफ्रीका ने 4 मुकाबले जीते हैं। अब दोनों टीम के फॉर्म की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने लास्ट 5 मैचों में से 3 मैच जीते हैं और इंडिया ने लास्ट 5 मैचों में से 4 मैच जीते हैं। अब बात करते हैं दोनों टीम्स के लास्ट हेड टू हेड मैच के बारे में। तो फर्स्ट इनिंग में बात करें तो इंडिया बैटिंग की, तो विराट कोहली 121 बॉलों में 101 रन और श्रेयस अय्यर ने 87 बॉलों में 77 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका बॉलिंग की बात करें तो केसा महाराज ने 10 ओवरों में 30 रन देकर 1 विकेट और कैगुसर अवाडर ने 10 ओवरों में 48 रन देकर 1 विकेट लिया था। सेकंड इनिंग में बात करें साउथ अफ्रीका बैटिंग की, तो मार्को यनसन 30 बॉलों में 14 रन और रसी वेंडरडसन 32 बॉलों में 13 रन बनाए थे। इंडिया बॉलिंग की बात करें तो रविंद्र जडेजा ने 9 ओवरों में 33 रन देकर 5 विकेट और कुलदीप यादव ने 5.1 ओवरों में 7 रन देकर 2 विकेट लिया था। अब बात करते हैं वेन्यू पे लास्ट कुछ मैचों के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का पिछला मैच हुआ था, इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 315 रन 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया इस टोटल का पीछा करते हुए 193 रन 34.1 ओवरों में 10 विकेट खोकर बना पाई। इस मैच में स्पिनर्स ने 8 विकेट लिए थे, तो फास्ट बॉलर्स ने 10 विकेट लिए थे। उससे जो पिछला मैच था वो हुआ था नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 370 रन 50 ओवरों में 8 विकेट खोकर बनाए थे और नीदरलैंड इस टोटल का पीछा करते हुए 224 रन 39.1 ओवरों में 10 विकेट खोकर बना पाई। इस मैच में स्पिनर्स ने 4 विकेट लिए थे, तो फास्ट बॉलर्स ने 14 विकेट लिए थे। उससे जो पिछला मैच था वो था बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच में। इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 194 रन 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर बनाए थे और
साउथ अफ्रीका इस टोटल का पीछा करते हुए 195 रन 37.2 ओवरों में 3 विकेट खोकर इस मैच को जीत लिया था। इस मैच में स्पिनर्स ने 5 विकेट लिए थे तो फास्ट बॉलर्स ने 7 विकेट लिए थे। उससे जो पिछला मैच था वो था पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 341 रन 50 ओवरों में 6 विकेट खोकर बनाए थे और पाकिस्तान इस टोटल का पीछा करते हुए 324 रन 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर बना पाई। इस मैच में स्पिनर्स ने 1 विकेट लिए थे तो फास्ट बॉलर्स ने 13 विकेट लिए थे। उससे जो पिछला मैच था वो था साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 256 रन 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर बनाए और पाकिस्तान इस टोटल का पीछा करते हुए 257 रन 43.2 ओवरों में 8 विकेट खोकर इस मैच को जीत लिया। इस मैच में स्पिनर्स ने 5 विकेट लिए थे तो फास्ट बॉलर्स ने 8 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं सभी प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में। तो इंडिया बैटिंग की बात करते हैं पहले। ऋतुराज गायकवाड़ रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 8-71-8-19 हेड टू हेड में एक मैच खेला था, 19 रन बनाए 19 के एवरेज से। संजू सैमसन 51-9-36-2-30 हेड टू हेड में 3 मैचों में 118 रन 118 के एवरेज बना रखा इन्होंने। श्रेयस अय्यर 4-105-128-77-82 हेड टू हेड में 9 मैचों में 370 रन 52 के एवरेज से बना रखा इन्होंने। केएल राहुल 66-39-102-8-21 हेड टू हेड में 5 मैचों में 110 रन 22 के एवरेज इन्होंने बना रखा है। तिलक वर्मा 5 एक ही मैच खेला इन्होंने इंटरनेशनल करियर में, ओडीआई करियर की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद रिंकू सिंह 26-15-11-0-76 हेड टू हेड में कोई भी मैच नहीं खेला और ये जिनका रिसेंट फॉर्म बताया वो लिस्टे का मैच बताया मैंने, ओडीआई में जो खेल रखा इन्होंने। उसके बाद अक्षर पटेल 42 रन प्लस 1 विकेट 26 रन प्लस 0 विकेट 1 रन प्लस 2 विकेट 29 रन प्लस 0 विकेट 2 रन प्लस 2 विकेट हेड टू हेड में कोई भी मैच नहीं खेला इन्होंने। कुलदीप यादव 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट हेड टू हेड में 11 मैचों में 26 विकेट इन्होंने पिक किया है। अर्शदीप सिंह 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट हेड टू हेड में कोई भी मैच नहीं खेला। मुकेश कुमार 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट हेड टू हेड में इन्होंने भी कोई भी मैच नहीं खेला है। आवेश खान 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट हेड टू हेड में 3 मैच खेला और 1 भी विकेट नहीं मिला। अब हमारा गिवे का दूसरा क्वेश्चन, इस मैच में सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन वीडियो में आगे पूछेंगे, तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए। और साउथ अफ्रीका बैटिंग बात करें तो टॉनी डी जॉर्जी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, रिसेंट फॉर्म में 21-27 दो ही मैच खेला इन्होंने इंटरनेशनल ओडीआई करियर में और हेड टू हेड में कोई भी मैच नहीं खेला है। रीजा हेंड्रिक्स 12-85-28-39-52 हेड टू हेड में 2 मैच में 77 रन 38 का एवरेज बना रखा इन्होंने। रसी वेंडरडसन 6-76-13-133-21 हेड टू हेड में 5 मैचों में 253 रन 84 के एवरेज बना रखा इन्होंने। एडन मार्कराम 10 रन प्लस 1 विकेट 25 रन 9 रन 6 रन 91 रन हेड टू हेड में 13 मैचों में 280 रन 23 के एवरेज से और 2 विकेट इन्होंने पिक किया है। डेविड मिलर 101-24-11-53-29 हेड टू हेड में 13 मैचों में 308 रन 30 के एवरेज से बना रखा है। हेनरिक क्लासेन 47-10-1-15-12 हेड टू हेड में 8 मैचों में 249 रन 29 के एवरेज से बना रखा है। वियान मल्डर 2 रन प्लस 1 विकेट 5 रन प्लस 1 विकेट 70 रन प्लस 0 विकेट फिर 0 विकेट फिर 1 विकेट हेड टू हेड में कोई भी मैच नहीं खेला उन्होंने। एंड डायल फिल का 39 रन प्लस 1 विकेट 38 रन प्लस 1 विकेट 1 रन प्लस 1 विकेट फिर 5 रन फिर 0 विकेट हेड टू हेड में 11 मैचों में 10 विकेट इन्होंने पिक किया है। केशव महाराज 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 0 विकेट हेड टू हेड में 6 मैचों में 5 विकेट इन्होंने पिक किया है। तबरेज शमसी 2 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 0 विकेट हेड टू हेड में 7 मैचों में 6 विकेट इन्होंने पिक किया है। लिजार्ड विलियम्स 2 विकेट और 2 मैच में बॉलिंग इन्होंने नहीं कराई थी और हेड टू हेड में 1 भी मैच नहीं खेला इन्होंने। अब बात करते हैं फैंटेसी टीम के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं की प्लेयर्स, ट्रम्प कार्ड्स और पॉसिबल कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में। इस मैच के की प्लेयर्स है ऋतुराज गायकवाड़, एडन मार्कराम, श्रेयस अय्यर, लिजार्ड विलियम्स, केएल राहुल, अक्षर पटेल, रीजा हेंड्रिक्स। सबसे पहले बात करेंगे रीजा हेंड्रिक्स की, आपको बैटिंग से अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं और रन बनाकर दे सकते हैं और ये ओपीटी जो T20 मैच चल रहा था उसमें काफी अच्छे इनका प्रदर्शन रहा था और ये रिलायबल बैट्समैन है T20 मतलब ओडीआई और T20 के लिए, खासकर और साउथ अफ्रीका में तो ये अच्छे खासे रन स्कोर कर रहे हैं। केएल राहुल इन्होंने अच्छे खासे रन बनाए हैं और जो लास्ट इन्होंने अपना पहला ओडीआई खेलेंगे वर्ल्ड कप के बाद और वर्ल्ड कप में इनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था, जो लास्ट मैच हुआ था फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ उसमें भी इन्होंने 60 रन की एक बढ़िया पारी खेली थी। ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग बैट्समैन है और एक यही एक सेपरेट ओपनिंग बैट्समैन है और कोई इनके अलावा कोई ओपनिंग बैट्समैन दिख नहीं रहा, इसके वजह से शायद संजू सैमसन ओपन कर ले इनके साथ बट ये अच्छा कर सकते हैं, इन पे आप भरोसा कर सकते हैं और एक कंसिस्टेंट बैट्समैन है, इन्होंने अपने रणजी और डोमेस्टिक करियर में भी इन्होंने काफी अच्छे रन स्कोर किया है।
एडन मार्करम आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं और अच्छे खासे ओवर करा सकते हैं, और बैटिंग से एक रिलायबल बैट्समैन भी है और एक टीम के कप्तान है, जिम्मेदारी होगी इनके ऊपर, तो ये अच्छे खासे रन स्कोर कर सकते हैं। श्रेयस अय्यर ओडीआई में इन्होंने काफी तगड़ा परफॉर्मेंस किया था जो वर्ल्ड कप चल रहा था, उन्होंने उसमें काफी अच्छा 500 प्लस इन्होंने रन स्कोर किया था। उसके बाद ये पहला ओडीआई खेलेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो इसमें आप इन पर भरोसा कर सकते हैं, अच्छे रन स्कोर कर सकते हैं। लिजार्ड विलियम्स पावर प्ले और डेथ दोनों जगह गेंदबाजी करेंगे, और गेराल कोएटजे नहीं खेल रहे और ना ही मार्को यंसन खेल रहे, तीन पे जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ओवर करा कर दे सकते हैं और अच्छे खासे विकेट लेकर दे सकते हैं। अक्षर पटेल काफी अच्छे मतलब गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म स्लो बॉलिंग कराते हैं और बैटिंग से भी आपको अच्छा खासा योगदान कर सकते हैं, और ये आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से योगदान करके दे सकते हैं, और इंडिया के लिए मेन ऑलराउंडर के रूप में खेलेंगे तो इन पे जिम्मेदारियां होंगे, तो ये परफॉर्म करके आपको दे सकते हैं। ये सभी प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में और ये सभी प्लेयर्स कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर देंगे। अब बात करते हैं ट्रम्प कार्ड्स की, तो केशव महाराज, तिलक वर्मा, मुकेश कुमार। सबसे पहले बात करते हैं केशव महाराज, इनका जो परफॉर्मेंस था वर्ल्ड कप में काफी बढ़िया था, बट इनको लोग उतना ट्राई नहीं करेंगे। अगर साउथ अफ्रीका सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करिए तो इनको अब तब ट्राई कर सकते हैं, वहां पर आपको अच्छा का परफॉर्म करके दे सकते हैं। तिलक वर्मा, इन्होंने पिछले कुछ मैचों से भले स्कोर नहीं किया लेकिन ये काफी अच्छे स्कोर कर सकते हैं, कंसिस्टेंट बल्लेबाज है और थोड़ा सा डाउन द ऑर्डर खेल सकते हैं इस मैच में, तो इन पर आप एक ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रम्प आप ट्राई कर सकते हो, जीएल में तो बिल्कुल, जीएल में तो डेफिनेटली इनको ट्राई कीजिएगा आप। मुकेश कुमार, अगर इनकी टीम पहले पारी में गेंदबाजी करे तो ये डेथ में गेंदबाजी करा सकते हैं और पावर प्ले में गेंदबाजी करा सकते हैं, और T20 में इनका परफॉर्मेंस बढ़िया था जो इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, तो वो आपके लिए अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। इन सभी प्लेयर्स की सिलेक्शन तो कम है लेकिन ये प्लेयर्स हमें कभी भी अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं, और इनमें से कुछ प्लेयर तो अपने टीम में हम जरूर लेंगे। अब देखते हैं पॉसिबल कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में, तो श्रेयस अय्यर, एडन मार्करम और केएल राहुल, ये तीन कप्तानी और कप्तानी के लिए अच्छे विकल्प हैं। केएल राहुल मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे, अच्छे रन स्कोर किए इन्होंने पिछला जो टूर्नामेंट खेल के आ रहे वर्ल्ड कप का, और ये अच्छे रन स्कोर कर सकते हैं और विकेट कीपिंग से भी कुछ पॉइंट दे सकते हैं, तो इसलिए आपको कैप्टन से वाइस कैप्टन के ये अच्छे मटेरियल होंगे। उसके बाद श्रेयस अय्यर अच्छे बैट्समैन है, ओडीआई में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है जो कि हमने इन्होंने वर्ल्ड कप में देखा भी था, 500 प्लस इन्होंने रन स्कोर करके दिया था और काफी अच्छे पॉइंट दे सकते हैं इस मैच में, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। एडन मार्करम पिछले कुछ मैचों से अच्छे रन बनाकर दे रहे हैं टीम को, और गेंदबाजी से भी परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, जो लास्ट T20 मैच खेला था उसमें भी अच्छे खासे विकेट लिया था और टीम के अब तो कप्तान भी बन गए, तो एक अपने आप को मौका दे सकते हैं। अब बात करते हैं फैंटेसी टीम के बारे में, तो दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से हम सिलेक्ट करेंगे केएल राहुल, ये प्लेयर सबको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं, काफी अच्छे फॉर्म में भी पिछले कुछ मैचों से अच्छे पॉइंट दे रहे, तो हमारे पास दो से तीन विकल्प है, तो उनमें सबसे बेस्ट विकल्प यही है। बैटिंग सेक्शन से हम पिक करेंगे ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, रशी वंडरडसन और रीजा हेंड्रिक्स, ये चार खिलाड़ी अपने बैटिंग सेक्शन से पिक करेंगे। रीजा हेंड्रिक्स काफी अच्छा टैलेंटेड बल्लेबाज है, T20 में काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा था और ओडीआई में भी इनका रिसेंट के 5 मैचेस में परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। ऋतुराज गायकवाड़, इन्होंने भी पिछले कुछ जितने मैच खेले उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और इन्होंने 4 ओडीआई भी तक खेला है और 4 में बढ़िया परफॉर्मेंस किया था इन्होंने, और एक मैच जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था उसमें 19 रन इन्होंने स्कोर किया है। रशी वंडरडसन, ये आपको बैटिंग से अच्छा खासा योगदान कर सकते हैं और इन्होंने पिछले जो मैच खेला था, इन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप खेला था उसमें 1 से 2 शतक भी बना रखा है इन्होंने लास्ट के 5 मैचों में। रीजा हेंड्रिक्स अच्छे खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25 पारी खेल कर आ रहे हैं जो इन्होंने खेला था ओडीआई में, और इंडिया के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, एक रिलायबल बैट्समैन है अभी। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो अक्षर पटेल और एडन मार्करम, एडन मार्करम काफी अच्छे ऑलराउंडर है, अधिकतम से आपको रन बनाकर दे सकते हैं और विकेट भी निकाल कर दे सकते हैं, और इनको मतलब ऑलराउंडर सेक्शन से सबसे बढ़िया पिक होंगे और पिछले टूर्नामेंट में इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। अक्षर पटेल बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे पॉइंट दिए इन्होंने जो पिछला सीरीज खेला था T20 के लिए जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और काफी अच्छे प्लेयर है, आपको बैटिंग से मतलब आपको अच्छे खास रन स्कोर करके दे सकते हो बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, तो आपके लिए एक अच्छे पिक रहेंगी है। बॉलिंग सेक्शन से हम पिक करेंगे अर्शदीप सिंह, तबरेज़ शम्सी, कुलदीप यादव, लिजार्ड विलियम्स, ये चार गेंदबाज हम बॉलिंग सेक्शन से पिक करेंगे जो अपने अच्छे खास ओवर कराते हुए दिख सकते हैं। अर्शदीप सिंह काफी अच्छे गेंदबाज है, कोई भी पारी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करे तो आप ज्यादा इन पर फोकस कीजिएगा और सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करिए तो आप इनको छोड़ने का भी रिस्क ले सकते हो। तबरेज़ शम्सी अच्छे गेंदबाज है, मिडल ओवर में गेंदबाजी करते हैं वहां पर अच्छा खासा परफॉर्म करके दे सकते हैं, पहला जो T20 मैच खेला, सेकंड T20 जो मैच खेला था उसमें इन्होंने मैन ऑफ द मैच भी थे। ये कुलदीप यादव इंडिया के लिए काफी टैलेंटेड बॉलर है, जो वर्ल्ड कप खेला था इन्होंने उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था और जो लास्ट T20 मैच खेल के आ रहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसमें भी 5 विकेट इन्होंने पिक किया है। लिजार्ड विलियम्स इस पिच पर अच्छा कर सकते हैं गेंदबाजी और गेंदबाजी से, क्योंकि डेथ में गेंदबाजी करेंगे गेराल कोएटजे, मार्को यंसन के ना होने की वजह से, और ये तब वहां पर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे।
अब हमारा गिवे का तीसरा क्वेश्चन, इस मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट कौन देगा। तो तीनों क्वेश्चन का आप आंसर हम कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, और बाकी इसका विनर हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अनाउंस करेंगे। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो फिलहाल के लिए कैप्टन के लिए हम चूज करेंगे एडन मार्करम, और वाइस कैप्टन के लिए चूज करेंगे केएल राहुल। दोस्तों हम इनमें चेंजेस तो करने वाले हैं, चेंजेस देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हमने वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब बात करते हैं मैच विनर के बारे में। तो इंडिया का जीतने का चांसेस 45% मान सकते हो, और साउथ अफ्रीका के जीतने के चांसेस 55% है, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका की बैटिंग है फुल स्ट्रेंथ से खेल रही है, और बॉलिंग भी आप कह सकते हो, और इंडिया भी खेल रहे, बट इनके जो मेन प्लेयर नहीं खेल रहे, ओपनिंग इनका स्टेबल नहीं है, और इस वजह से मैं कह रहा हूँ 55 या 49 या 51 मान लीजिए, बट हमारे हिसाब से इस मैच को साउथ अफ्रीका जीत जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, इंडिया या साउथ अफ्रीका, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको ये बताना चाहेंगे कि इस वीडियो की फैंटेसी टीम, हमने दोनों टीम्स के प्लेयर्स के लास्ट मैचेस के परफॉर्मेंस, उनके रिकॉर्ड, उनके स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट पर बनाई हुई है। हमारी फाइनल फैंटेसी टीम नहीं होती, हमारी फाइनल फैंटेसी टीम आपको टॉस के बाद हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दिए। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। डेली ऐसी रिपोर्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।